अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? मेरी दुआ है आप लोग जहाँ भी हों खुश रहें और अपनी फैमिली के साथ ज़िंदगी को हमेशा इंजॉय करते रहें, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखें और नेचर को भरपूर इंजॉय करें। तो जी, इधर हम वॉक कर रहे हैं अभी, इतनी सुबह का टाइम तो नहीं है, तकरीबन 10:30 हैं बजे, और बड़ा खूबसूरत ग्रीन इलाका है। हमेशा मुझे वॉक करने का बड़ा मज़ा आता है। और ये जो भी आप देख रहे हैं साइबेरियन हस्की डॉग, ये हमारे नेबर्स का डॉग है जो हमेशा विंडो में बैठ के बाहर देखता रहता है। और ये जो देख रहे हैं अभी, स्टिल जो हैं काफ़ी दरख्त अभी ग्रीन है, बड़ी ग्रीनरी भी है, स्टिल ऑरेंज एंड येलो पत्तों के साथ साथ ग्रीनरी भी बहुत अच्छी है। ये वॉकिंग ट्रैक्स जो मैं भी आपको दिखा रही हूँ मेरे घर के इर्द गिर्द हैं और बड़े खूबसूरत, बड़े साफ़ सुथरे, और मैं आपको अक्सर इन वॉकिंग ट्रैक्स पर ले कर चलती हूँ। बहुत सारे हैं डिफरेंट किस्म के, इवन यहाँ पे कंट्री साइड का में स्टाइल का एक बिल्कुल वुड्स भी है, जिसको वुड्स बोलते हैं, यानी बिल्कुल दरख्त हैं घने। तो मैं आपको अक्सर डिफरेंट डिफरेंट वॉकिंग ट्रैक्स पे लेके चलती हूँ जिनको आप इंजॉय करती हैं। तो आज जो है इरादा है हमारा कहीं बाहर चल के नाश्ता करने का, तो देखते हैं किधर चलते हैं, लेकिन फ़िलहाल चलते हैं हम अभी घर, और घर चल के पीते हैं पहले चाय और फिर चलते हैं कहीं बाहर। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये मेरा गार्डन है, यहाँ बड़ा क्यूट सा, आपको अक्सर कमेंट करके बताते हैं कि बड़ा प्यारा लगता है। खैर, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो अच्छा लगता ही है, लेकिन इधर चाय पीने का बहुत मज़ा आता है, लेकिन आजकल आप इधर नहीं बैठ सकते, इतनी सर्दी हो गई है कि आपकी चाय एक सेकंड में बिल्कुल ठंडी यख हो जाती है, तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता चाय पीने का। तो चाय तो अभी हम अंदर ही बैठ के पियेंगे, लेकिन मैं दिखा रही थी कि देखें कितनी अच्छी धूप एकदम निकल आई है। जब हम वॉक कर रहे थे तब तो नहीं थी, लेकिन अभी एकदम इतनी अच्छी धूप निकल आई है। लेकिन ये ना समझें कि ये धूप बाहर बैठने वाली है, ये धूप बहुत ठंडी होती है, इस धूप में आप बैठ नहीं सकते, इसको मैं फ्रोज़न धूप बोलती हूँ। और बस अभी हम लोग जो हैं वो निकले हैं घर से, तो आज हम सोच रहे हैं हम साउथ हॉल चलते हैं। हमारे घर से थोड़ा दूर है, लेकिन साउथ हॉल जो है वो समझें मिनी पाकिस्तान, मिनी इंडिया, फुल देसी इलाका है लंदन में। तो उधर चलते हैं और चल के करते हैं नाश्ता। और किधर आए हम? हम आए हैं एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में जिसका नाम है जनाब बट कढ़ाई। तो यहाँ पे फुल देसी नाश्ता करेंगे और फुल देसी माहौल, कलरफुल माहौल के साथ, जो कि पाकिस्तानी ट्रक आर्ट से इंस्पायर थीम है इस रेस्टोरेंट की। गुल खान जो आर्टिस्ट है पाकिस्तान का, बड़ा फेमस ट्रक आर्टिस्ट है, ये उसकी इंस्पायर थीम है उससे। और कराची से कश्मीर तक जनाब, ये आपको आर्टिफैक्ट्स भी नज़र आ रहे हैं ट्रक, और सारा बड़ा कलरफुल सा जो है ये बड़ा खूबसूरत सा माहौल है। तो जी इंजॉय करते हैं। साउथ हॉल में है, और साउथ हॉल में जो है वो पाकिस्तानी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, इंडियन भी हैं, और ये जो है ना वो टोटल देसीज का जो है इलाका है साउथ हॉल का। तो यहाँ पे आपको मिनी पाकिस्तान, मिनी इंडिया जो है वो नज़र आएगा, और पाकिस्तानी कल्चर बहुत ज़्यादा नज़र आएगा, इंडियन कल्चर। तो इसको मिनी इंडिया, मिनी पाकिस्तान भी बोलते हैं, ये समझें इंग्लैंड का, लंदन का जो है वो पाकिस्तान और इंडिया। तो यहाँ पे आपको लोग भी जो हैं वो सारे देसी नज़र आएंगे ज़्यादातर। और ये हमारा देसी नाश्ता आ गया, शर्सी कढ़ाही, लैम निहारी और पापड़ी चाट। और बट कढ़ाही पे आए और जनाब बट की कढ़ाही ना खाएं तो ये कैसे हो सकता है। तो हमने निहारी और चर्सी कढ़ाई के साथ साथ बट की स्पेशल स्पेशलिटी जो है वो कढ़ाई वो भी मंगवाई, और साथ जो है वो ये जो नज़र आ रही है आपको, बड़ी मज़ेदार थी, ज़बरदस्त फ्रेश नान के साथ, और साथ जो है वो ये टिक्का बोटी थी, चिकन टिक्का बोटी, ये तो ये भी अच्छी थी, बट की कढ़ाई जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त थी, अच्छी थी, मज़ेदार थी।
हेलो साउथ हॉल, ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। रात का वक्त है और हम लोग आए थे डिनर करने, हमारी सिस्टर इन लॉ ने दिया हुआ था। तो मैंने कहा आज मैं आपको ना ज़रा ये शॉप्स भी दिखाती हूँ, सारे वही नाम, रॉयल स्वीट्स, मोती वाला, अम्बाला और शेरे पंजाब बेकर्स। तो सारे ही यहाँ पे पाकिस्तानी और इंडियन जो है ना, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि मिनी पाकिस्तान और लिटिल इंडिया है, तो आपको ब्रांड्स नज़र आएंगे, पाकिस्तानी इंडियन शॉपिंग नज़र आएगी, मज़े के खाने, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स। तो आगे जब मैं आपको ये सारी जगह पे ज़रा थोड़ी डिटेल में घुमाती हूँ और देखते हैं जनाब यहाँ पे क्या क्या है, कौन कौन सी शॉप्स हैं, कौन कौन से और कौन कौन से ब्रांड्स हैं, तो चलें जी मिलकर करते हैं हम साउथ हॉल की सैर। नान वाला, और ये देखें इतनी लंबी क्यू है नान वाला में, और यहाँ पे जो है लोग नान लेने के लिए इतनी लंबी क्यू लगा के खड़े हुए हैं। और यहाँ पे ये कुल्फ़ी की रेडी आ गई, नहीं गोलगप्पों की, भाई गोलगप्पे। और ये है निराला की केक शॉप पाकिस्तानी, ये छोटे छोटे टेक अवेज हैं, ये साथ जर्मन डोनर कबाब, ना ये इस्लामिक बुक्स की जो है वो शॉप है, सारी यहाँ पे आपको इस्लामिक जो है वो बुक्स वगैरह मिल जाएंगी। ये है सामने अम्बाला स्वीट्स, करीम्स, और साथ जो है वो ज्वेलरी शॉप हैं और साथ ज्वेलर्स की शॉप हैं, डिफरेंट और रेस्टोरेंट्स हैं इधर। एक और यहाँ पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट आ रहा है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसका इंटीरियर जो है वो ट्रक आर्ट से इंस्पायर होके जो है वो बनाया हुआ है, और ट्रक आर्ट जो है वो पाकिस्तान की पहचान है जैसे कि आपको पता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये है जी पार्टी हलाल, कड़ाही, टीकेसी इसका नाम है, चौधरी, ये जनाब आपको जलेबियाँ, वो जो पाकिस्तान में प्रॉपर वो पुराने स्टाइल की दुकानें बेकरीज होती हैं ना, उन्होंने उसका वही टच दिया हुआ है। ये है जनाब टीकेसी कड़ाही, देसी नाश्ता भी यहाँ मिलता है। और ये दुनिया के और पाकिस्तान के कुछ मायानाज लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे विज़िट किया, तो उन सब की इन्होंने जो है वो पिक्चर्स लेके लगाई हुई हैं। ये कुछ मशहूर लोग हैं जिसमें से ये इमरान खान की बहन है, सिस्टर, जिन्होंने विज़िट किया है, और डिफरेंट लोग हैं मुख्तलिफ, शान और बहुत सारे, ज़्यादातर क्रिकेटर्स हैं, खिलाड़ी हैं। यहाँ पे रोटियाँ बन रही हैं जनाब, ताज़ी ताज़ी रोटियाँ बन रही हैं। और इसका जो इंटीरियर है ये भी सारा अंदर से भी इन्होंने ट्रक आर्ट का किया हुआ है, ये देखें सारा ट्रक आर्ट है, देख मगर प्यार से। अपोजिट जो है वो है गिफ्टोज लाहौर कड़ाही, ये भी बहुत फेमस यहाँ का एक रेस्टोरेंट है। अच्छा, यहाँ पर ज़्यादातर जो रेस्टोरेंट्स हैं वो पाकिस्तानियों के हैं, जहाँ पे हर तरह का जो है वो आपको पाकिस्तानी देसी कुजीन मिलेगी और इवन चाइनीज़ हर तरह का। अच्छा जी, ये माशाल्लाह से हमारी मस्जिद है, आयशा सिद्दीका गर्ल्स स्कूल भी है इसमें, आयशा सिद्दीका गर्ल्स स्कूल। मैं आपको इसकी बिल्डिंग जो है ना थोड़ा दूर से दिखाती हूँ, मैं बहुत करीब हूँ तो आपको इतना पता नहीं चलेगा, तो मैं आपको दिखाती हूँ माशाल्लाह। और ये सारी मस्जिदें जो हैं वो हमारी कम्युनिटी, जो पाकिस्तानी और मुस्लिम कम्युनिटी है, वो ख़ुद से बनाती है, और माशाल्लाह से यहाँ पर हर जगह पे आपको बेशुमार मस्जिदें नज़र आएंगी। इसकी काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, ये है इसकी बिल्डिंग, थोड़ी सी मैं आपको अभी और दूर से दिखाती हूँ। ये है मस्जिद और साथ गर्ल्स का इस्लामिक स्कूल आयशा सिद्दीका। आ गई लिटिल डिज़र्ट शॉप, जो सिर्फ यहाँ पे जो हैं वो स्वीट्स की और डिज़र्ट्स और जो है ना स्वीट्स, डिज़र्ट्स, चॉकलेट्स, वो जो हैं उनकी शॉप्स जो हैं वो अलग से होती हैं ज़्यादातर। तो ये उनमें से एक है, और ये सबसे अच्छी बात है कि हलाल है क्योंकि हमें एनीवे इधर तो सब कुछ ही हलाल है।
तकरीबन, लेकिन बाकी जगहों पे कई जगहों पे मसला होता है, लेकिन बाकी जो है वो हलाल यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मिलता है। लाहौरी मसाला, और ये है जनाब वतन, ये सब पाकिस्तानी कुजीन्स हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। वतन, ये है वतन, इसका भी खाना अच्छा है। और ये है स्पाइस विलेज, जिधर अभी हम खाना खाएंगे, डिनर करेंगे और इन्जॉय करेंगे। मेरी सिस्टर इन लॉ हैं साथ, तो अभी चलते हैं अंदर और इन्जॉय करते हैं डिनर। और ये आ गया है हमारा खाना डिनर, जो कि मेरी सिस्टर इन लॉ की तरफ से है, वो करवा रही हैं, दूसरी सिस्टर इन लॉ आ रही हैं। और गर्मा गर्म खाना जो है वो हमारा आ चुका था, ये था मिक्स प्लेटर जो कि बहुत मज़ेदार था। स्पेशली इसमें जो फ़िश टिक्का था वो बहुत ज़बरदस्त था। वैसे भी स्पाइस विलेज का खाना जो है वो बहुत ज़बरदस्त होता है, लेकिन ये है कि साथ अपनी जो फैमिली हो तो उसके साथ खाने का एक अपना ही मज़ा है। और बाहर क्योंकि सर्दी भी थी और गर्म गर्म खाना सर्व किया, बहुत मज़ा आया। और एंड पे जो ये जो पिंक टी है कश्मीरी चाय, ये मुझे वैसे ही बहुत पसंद है और यहाँ की बहुत ज़बरदस्त होती है पिंक टी। तो पीने का भी एक अपना ही मज़ा, पिंक टी स्पेशली जब उसके ऊपर खूब बादाम हो। इस अभी हमारी ना एक यहाँ की पाकिस्तान ड्रामों की आर्टिस्ट है मेहरुन्निसा, जो कि हैं हम की जो आर्टिस्ट हैं मेहरुन्निसा, ये वो हैं जिन्होंने जिनके साथ अभी हमने पिक्चर्स भी ली हैं। और जो हैं इनके साथ ये इधर खाना खाने आई हुई थी स्पाइस विलेज में, और इनके साथ अपनी फैमिली के साथ, तो इनके साथ अभी हमने पिक्चर्स ली हैं। तो इनका ड्रामा आ रहा है बिखरे हैं हम टीवी के ऊपर। और खाने के बाद अभी हम जा रहे हैं अपने घर। आपको ये ब्लॉग मिनी पाकिस्तान का कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर, अल्लाह हाफिज़।